नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन। आज की इस वीडियो में ये बीएससी पावर कंपनी का एक चेनसो मशीन है, इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये चेन को फेंक रहा है, मतलब चेन स्लिप होता है चलने के टाइम में। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसको रिपेयरिंग करेंगे। तो पहले मैं मशीन को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मशीन को मैं ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पर इसके अंदर जो इसका सॉकेट रहता है जो दोस्तों, चेन का सॉकेट, इसको देखना है पहले। तो इससे पहले क्या कर लेना है हमको, ये क्लॉच को खोलना है दोस्तों, नहीं तो उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो इसको पहले यहाँ पे एक ऑफ करके, और एक एरो मार्क रहता है दोस्तों ऊपर की तरफ, तो उस दिशा में आपको यहाँ पे कुछ ऐसा रॉड लेना है या सैप लेके इसको मारना है दोस्तों, फिर ये ओपन हो जाएगा। तो मैं कैसे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए, हैमर से ऐसा ही मारना है घुमा घुमा के, तो ये निकल जाएगा दोस्तों। और इसको जो एरो मार्क रहता है वही हिसाब से मारना है दोस्तों, नहीं तो ये टूट जाएगा जो आपका क्लॉज रहता है दोस्तों। तो ऐसा इसको मार के खोल लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं कैसा ओपन कर लेता हूँ, ये धीरे धीरे करके मारना है आपको घुमा के, तो ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये धीरे धीरे ओपन हो गया। अब ऐसा घुमा के निकाल देना है। तो जैसे खोलना है दोस्तों वैसा याद रखना है किसके बाद क्या रहता है। तो यहाँ पे देखिए, एक वाशर आता है, फिर एक कॉफ है, ये देख सकते हैं, इससे पुली जो कि लॉक होके रहता है, और ये हमारा सॉकेट है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है मेरे को दिख रहा है, तो यहाँ पे जो इसके लॉक टाइप रहता है तो वो पूरा घिस चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पूरा हर टाइप को वो अंदर से घिस चुका है। ये देखिए, मैं नया वाला निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये NCH कंपनी का है, तो इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये लॉक टाइप जो रहता है, ये पुराना और नया में आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा घिस चुका है दोस्तों, ये ज़्यादा दिन यूज हो चुका है, तो इसके वजह से वो चेन को फेंक रहा है, लॉक नहीं होता है चेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेम मॉडल है, तो इसको लगा देना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर कैसा लगा रहा हूँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक कॉप में ऐसा लगा देना है। यहाँ पे देखिए, फिर इसको सेफ्ट में जाके लगाना है मशीन का। यहाँ पे एक निडल बेरिंग है, इसके ऊपर रहेगा दोस्तों, तो इसको वो सही है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऐसा अच्छे तरह से धीरे से लगा देना है दोस्तों, देख लीजिए कितना अच्छे से, और इसको थोड़ा एडजस्ट करके लगा देना है। तो हमारा जो सॉकेट है लग चुका है। तो इसके बाद एक वाशर लगाना है जैसे हम निकाले थे, फिर क्लच को लगाना है, देख लीजिए, और इसको उल्टा टाइट कर लेना है दोस्तों। ऐसा उल्टा घुमा के टाइट करके इसको थोड़ा ही मार देना है, तो फिर वो टाइट से बैठ जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, तो पूरा टाइट से बैठ गया है। और ये जो प्रॉब्लम था दोस्तों, ये सॉकेट के वजह से हुआ था। तो ऐसा करके आप कोई भी चेनसो मशीन का सॉकेट आप रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे देख सकते हैं, मैं चालू करके दिखा देता हूँ मशीन को।